दिल्ली एएटीएस की टीम ने एटीएम कार्ड स्वैपिंग करने वाले गैंग का किया खुलासा। पूर्वी दिल्ली पुलिस की एएटीएस की टीम ने एटीएम कार्ड स्वैपिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। साथ ही इस मामले में शामिल दो अपराधियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 75 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक यह गैंग दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान आमिर और उद्देश्य के रूप में हुई है। आमिर सोनिया बिहार का रहने वाला है जबकि उद्देश्य सीमापुरी में रहता है। दोनों को एएटीएस की टीम में शामिल इंस्पेक्टर दिनेश आर्य, एसआई रणवीर सिंह, हेड कांस्टेबल ललित दीक्षित, हेड कांस्टेबल अरुण, कांस्टेबल अंकित ढाका की टीम ने गुप्त सूचना पर मयूर बिहार फेज 3 इलाके के स्मृति भवन के पास डीडीए मार्केट से गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में इन दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे लोग अपने साथी अनिल के साथ मिलकर पॉकेटमार और एटीएम स्वैपिंग करते हैं। पॉकेटमार से मिले एटीएम कार्ड को लेकर यह लोग दिल्ली एनसीआर के अलग अलग एटीएम में जाते हैं। वहां बुजुर्ग या अनपढ़ लोगों को पैसा निकालने में मदद करने का बहाना बनाकर उनके एटीएम बदल लेते हैं, साथ ही पिन भी देख लेते हैं और बाद में उनके अकाउंट में पैसा निकाल लेते हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गैंग एटीएम काटने में भी शामिल है। आमिर और अनिल को पहले भी साहिबाबाद पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आमिर ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2005 में उद्देश्य के संपर्क में आया और वह पॉकेटमारी करने लगा। इस दौरान उसका संपर्क अनिल से हुआ जिसके साथ मिलकर वह कार्ड स्वैपिंग भी करने लगा।